वर्टिकली खड़ा हो चुका है लैंडर विक्रम। ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, यानी आप देख रहे हैं जो नीचे वाले उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल सतह पर काम छोड़ के अपना आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, मुझे लगता है सब काम छोड़ दिया है हमने, सब काम छोड़ दिया है हमने अपना, और हम देख रहे हैं चंद्रमा और स्पीड भी बिल्कुल कम, और हमारा चंद्रयान। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए इस खुशी में। शाहरुख कितने पास अब जी जी, अभी हम बहुत करीब है, 150 मीटर पहुंचने वाला है, ब्लाइंड स्पॉट आने वाला है हमारा 22 सेकंड का, और इस वक्त मैं बता दूं कि बहुत जोर से हम ब्रेकिंग नहीं कर सकते चंद्रमा के इतने करीब, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही थिन लेयर होती है वहां के वातावरण की, बहुत ही थिन लेयर, इसकी वजह से जोर से ब्रेकिंग नहीं कर पाते। जल्दी से सवाल है, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पर, इसलिए जितनी चीजें वहां छूट गई है, फुटप्रिंट्स भी नील आर्मस्ट्रांग के अभी तक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है बिल्कुल। हाँ, और असल में आर्गन और नियॉन जैसे कुछ कुछ मटेरियल रहते हैं उसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ही नगण्य, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो है चांद में, उसको भी फैक्टर इन करके ये अभी आगे बढ़ रहा होगा। डिस्टेंस बहुत कम, 190 मीटर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस हो चुका है ऑल्टीट्यूड, और वहीं पर स्पीड आप देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल स्पीड भी आ गया है 2 में, मतलब लगभग बराबर हो चुके हैं दोनों, जीरो की तरफ जाएंगे जी बिल्कुल। जब हम ये जल्दी से अब देखिए 150 मीटर की दूरी जिस हिसाब से कर रहे थे, और ये हमारा 151 बहुत बड़ा, ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं रुक गया है इस पॉइंट पे, 150 मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 22 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा, 22 सेकंड का होल्ड है यहाँ पे, यस 22 सेकंड तक किसी जगह पे इसी पोजीशन पे रहे रहेगा वो पूरे अपना जो भी उसकी लोकेशन है, एक सेकंड इसीलिए आप देख रहे थे 149.98 पर वो इसी जगह पे उसको ओवर करना है। अपने दर्शकों को हम बता दें लगभग 22 सेकंड तक इसी 150 मीटर की जो दूरी है, तभी आप देख रहे हैं हमने कर लिया वो दूरी, हमने सफलता से पार कर ली है, क्या ये बहुत बड़ी खुशी की घड़ी है? जल्दी से बताइए, ये बड़ी खुशी की घड़ी है, 27 सेकंड इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है 112 सेकंड, और इसीलिए आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक वहां पर ताली बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहीं पर मामला अटका था, अब हम उस घड़ी से भी आगे निकल चुके हैं, और एक बार फिर जैसे ये देखिए अब 79 सेकंड 76, धीरे धीरे ये काउंटडाउन नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम जीरो की तरफ बढ़ चुके हैं, वर्चुअल वेलोसिटी भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी भी जो है वो भी घटता चला जा रहा है, और तीसरी तस्वीर में वो दूरी है, तमाम बड़े बड़े फेजेस हमने पार कर लिए हैं सफलता के साथ, अब सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी है, बस अगर सतह पर कोई बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं हो तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल देर में कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए 60 मीटर और ये 50 मीटर, अब मुझे लगता है कि अब वो आपका भी 300 के बीच में 2 मीटर प्रति सेकंड, वही वर्टिकल वेलोसिटी एकदम जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो की तरफ जा रही है, दूरी आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से, और ये बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ता हुआ, चंद्रयान का मिशन 3 सफलता की तरफ बढ़ता हुआ, चांद के दक्षिण पोल पर भारत अपना तिरंगा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी टिका नहीं है, अभी 1 मिनट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां कोई मुल्क नहीं गया था, दक्षिण पोल चांद का अब हमारा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है। 1 मिनट पहले ही हो गई लैंडिंग, इन वैज्ञानिकों के सामने सिर झुकाता है, और ये अब आप देख रहे हैं सफल लैंडिंग हो चुकी है, चीफ है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ये जोश, ये वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत ने रच दिया इतिहास, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून, सर आई रिक्वेस्ट
आई रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड प्लस अस. थैंक यू सर. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व. मुझे शेयर कर दो. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को.